फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फास्ट पढ़ाई। हमारी केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज स्टार्ट है। इसमें हम चैप्टर 7 करेंगे, दैट इज पी ब्लॉक। ये चैप्टर इसलिए क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है और इसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि छोटे में कंप्लीट कर दूं। तो ये इसका पार्ट 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले पी ब्लॉक में पढ़ेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। Whereas, इनके एटॉमिक नंबर है 7, 15, 33, 51 एंड 83। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। एक बार और, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ब्लास्ट स्टाइल कुछ ऐसे होती है, NH2 एंड NP3। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज, जो डाउन दी ग्रुप क्या होगी और कंपेयरिंग फ्रॉम ग्रुप 14 एलिमेंट्स कैसी रहेगी। तो सबसे पहले एटॉमिक प्रॉपर्टीज में आता है एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक या आयनिक रेडियाई। जैसे जैसे हम नीचे जाते ग्रुप, दैट इज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रिंसिपल एनर्जी शेल है, जैसे जैसे हम एक डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, एक एक प्रिंसिपल एनर्जी शेल बढ़ता रहता है, देयरफॉर उनका जो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। नेक्स्ट होता है कंपेयरिंग फ्रॉम ग्रुप 14 एलिमेंट्स, इनका जो एटॉमिक, दैट इज ग्रुप 15 का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो ग्रुप 14 एलिमेंट से स्मॉलर होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे हम यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। जो डाउन दी ग्रुप डिक्रीज होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज होता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है। आसान होने की वजह से उसमें जो एनर्जी लगेगी वो कम होगी और ग्रुप 14 एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ये हायर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा है तो इनको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। लास्ट जो रहेगा एटॉमिक प्रॉपर्टीज में वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन दी ग्रुप डिक्रीज होगी और ग्रुप 15 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ग्रुप 14 एलिमेंट्स। Now we will study the physical properties of group 15 elements. तो physical properties में सबसे पहला जो आता है वो है metallic character. Metallic character मतलब कि कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या मेटल बनने की टेंडेंसी। सो डाउन द ग्रुप जो मेटल कैरेक्टर है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि as we move down the group, electronegativity decreases and hence electrons are lost more rapidly. जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होने लगता है, देयरफॉर मेटालिक बनने की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। नेक्स्ट होता है ये जो मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स है वो लेस रहेगा देन ऑफ 14 एलिमेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है और ये मेटालिक मेटल फॉर्म होना कम हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है डाउन दी ग्रुप मूव करेंगे तो जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस है नॉन मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक एंटीमनी आपका मेटलॉइड्स है और बिस्मथ आपका मेटल होता है। सेकेंड जो आती है प्रॉपर्टी वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पहले तो नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तक इंक्रीज होगी बट एंटीमनी और बिस्मथ पर डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों? नाइट्रोजन से आर्सेनिक में इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि इनका एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, whereas एंटीमनी और बिस्मथ में इसलिए कम होता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसमें एस इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे, एस के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे तो बस पी इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे, देयरफॉर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं इंस्टेड ऑफ 5। नेक्स्ट आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट As you move down the group, increase. तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। इसमें जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, सबसे पहले ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स किस प्रकार है? NH3 दैट इज अमोनिया, PH3 दैट इज फॉस्फीन, ASH3 दैट इज आर्सीन, SbH3 दैट इज टिबाइन एंड BiH3 दैट इज बिस्मथीन। ये टोटल इनके हाइड्राइड्स हैं।
अब इनके कुछ ट्रेंड्स पढ़ते हैं। सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं वो रहता है पिरामिडल स्ट्रक्चर। पिरामिडल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखता है, यहां पे नाइट्रोजन है, तीन हाइड्रोजन, और उसके ऊपर ये रहेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें से अगर आपको किसका स्ट्रक्चर बनाने बोले तो आप यही बनाएंगे। नेक्स्ट आता है इसमें बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, दैट इज पीएच 3 से बीआईएच 3 तक बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, दैट इज इंक्रीजेस फ्रॉम पीएच 3 टू बीआईएच 3। मतलब पीएच 3 से बीआईएच 3 तक बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा और उसके हिसाब से बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। बट NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है। अब ये क्यों, ये एक्सेप्शन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, देयरफॉर वो क्या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, देयरफॉर क्या बन जाता है, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव बॉन्ड, दैट इज पोलर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। अब जैसे ये पोलर बॉन्ड फॉर्म होता है, जैसे मान लेते हैं ये नाइट्रोजन है, तो यहां पार्शियली पॉजिटिव आ गया, यहां पार्शियली नेगेटिव आ गया, ये दूसरा है, यहां पार्शियली पॉजिटिव, यहां पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, तो ये पोलर बॉन्ड्स फॉर्म हुए। तो ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, जिसके वजह से वो स्ट्रांग हो जाता है और NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं, दैट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की टेंडेंसी कुछ ऐसे होती है, दैट इज एज मूव डाउन द ग्रुप द रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब ये क्यों भाई, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हाइड्रोजन को लिबरेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हाइड्रोजन आसानी से छूट जाएगा तो वो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग, खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। देयरफॉर एज यू मूव डाउन द ग्रुप द रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। नेक्स्ट आपका बेसिक कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप द बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। इसका मतलब नाइट्रोजन, दैट इज हाई अमोनिया का जो बेसिक कैरेक्टर होगा सबसे ज्यादा होगा और बिस्मथीन का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम। सबसे पहले ग्रुप 15 बेसिक कैरेक्टर क्यों देता है, क्योंकि जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं उनके पास रहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या रहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लुईस बेस के हिसाब से, लुईस के हिसाब से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डोनेट कर सकता है, देयरफॉर वो बेस की तरह एक्ट करेगा, दैट इज लुईस बेस। अब नीचे जाने पे डिक्रीज क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ते जाता है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो एक पॉइंट पे उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो डेंसिटी कम हो जाएगी सेंट्रल एटम पे, देयरफॉर डोनेट करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी और वो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। मतलब NH3 सबसे ज्यादा बेसिक है। एक बार और, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपायर लार्जर वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम डिक्रीजेस। लार्जर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तो सेंट्रल एटम में टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी और कॉन्सिक्वेंटली उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, देयरफॉर वो बेसिक कम होता जाएगा जैसे जैसे नीचे। तो ये था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ये पूरा। अब नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछता है वो है अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन, व्हाई? तो अभी बताया मैंने, आप ये वाला आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट अमंग HBH3 और BH3, या कोई भी आपको एलिमेंट दे देगा उसमें से रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका ज्यादा है और क्यों है पूछेगा, तो अभी मैंने बताया जैसा कि ये लिखेंगे। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, NH3 एक्ट एज अ गुड लिगेंड, ये ऐसा क्यों एक्ट करता है? इसका आंसर ये है, क्योंकि NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए, देयरफॉर वो डोनेट करता है और मेटल आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, देयरफॉर एक्ट एज अ गुड लिगेंड। तो इसके ये भी बहुत बार आता है, ये पढ़ लेते हैं। तो ये था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन और पी ब्लॉक के आगे के पार्ट को जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज कमेंट। थैंक यू।